हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। सो आज इस वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल, सारे चीज़ें देखेंगे इस वीडियो में। पर इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप मेरे प्रीवियस दो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसके अंदर हमने ये सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में स्टडी किए हैं। तो अगर आप वो वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपको ये ईजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर क्या बोला गया है, ऑब्जर्व द वेन डायग्राम and write the following sets using listening method। ठीक है, अभी हमें ये सारी चीज़ें जो find out करनी है ये Venn diagram से find out करनी है। पहला कैसे दिया हुआ था हमें कि पहले question था, हमें Venn diagram बनाना होता था और उसमें से answer निकालना होता था। पर अब कैसा दिया है कि Venn diagram दिया हुआ है, अब इसमें से आपको सारे answer find out करने हैं। तो पहला इसमें हम देखेंगे क्या है। U means universal। सो यूनिवर्सल में सारे जितने भी आते हैं ये सारे यूनिवर्सल होते हैं। सो U में क्या क्या आ गया आपका, आप ध्यान से देखना, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे। वन, अगर आप देखना है तो ऐसे ध्यान से पहले इसको रीड आउट कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो 1 to 12 तक यहाँ पे सारे नंबर है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। ओके, सो ये 12 तक के सारे हमने लिख लिए, ये हमारा यूनिवर्सल हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोला है, ए फाइंड आउट करना है। ए, अभी हम यहाँ पे देखेंगे ए वेन डायग्राम में, आप ध्यान से देखो तो ये हमारा जो इतना सर्कल है ये पूरा हमारा ए है। सो ए के अंदर क्या क्या आ रहा है, 2, 4, 6, 8 and 10। ए का पूरा सर्कल आप देखो, ये मत सोचो कि इसके अंदर तो बी का भी है, ये पार्ट मत सोचो, हमें क्या बस बोला है ए फाइंड आउट करने। सो ए का जितना भी पार्ट है ये हमारा पूरा ये सर्कल ए है। सो ए में जितने भी एलिमेंट हैं हम सारे ले लेंगे, 2, 4, 6, 8 and 10। ठीक है, अब बी क्या बोला है हमें, यहाँ पे देखो थर्ड क्या है हमारा, बी। वैसे ही हम बी का सर्कल देखेंगे, बी के सर्कल में क्या क्या आ रहा है, 1, 3, 7, 8, 5, 10। सो क्या क्या आया, 1, 3, 5, 7, 8 and 10। ठीक है, ध्यान एक और बार हम रीचेक कर लेते हैं ताकि आगे जाके कुछ गलती ना हो। तो कैसे देखेंगे, 1, 3, 5, 7, 8, 10। ठीक है, ये हमारा जितना बी का सर्कल जो था वो लिया। ओके, अब हमें नेक्स्ट क्या बोला गया है, फोर्थ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये आपको बताया, यूनियन क्या होता है, जो सेट दिए हैं ए और बी इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिखना है और जो कॉमन नहीं है उसे भी हमें लिखना है। तो ये यूनियन हो जाता है, मतलब दोनों सेट को मिलाना है। सो हमें कौन कौन से किसको मिलाना है, ए यूनियन बी। अभी आपने यहाँ पे ए फाइंड आउट किया है, यहाँ पे बी फाइंड आउट किया है। ठीक है, सो इन दोनों का यूनियन आप यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं। क्या क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 10। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो 8 और 10 कॉमन है, तो हम इसको दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। दो बार दिया है वो है तो ऐसा नहीं कि हम दो बार लिखेंगे, उसे एक ही बार लिखना है। ठीक है, सो ए और बी का जो यूनियन है वापस से एक बार चेक कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10। अगर आप वेन डायग्राम में देखेंगे तो भी ए और बी का यूनियन वैसे ही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10। आप देखेंगे यहाँ पर भी हमने मार्क किया 8 और 10 कॉमन, और यहाँ पर भी देखेंगे आप कॉमन में ही आए हैं दोनों। ठीक है, तो हमारा आंसर राइट है। अब नेक्स्ट क्या बोला है हमें फाइंड आउट करने, ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड आउट करेंगे। तो इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं, कॉमन, जो कॉमन रहते हैं सिर्फ वो देखते हैं। तो ए और बी का कॉमन क्या है यहाँ पे, 8 and 10। सो यहाँ पे 8, 10। ठीक है, अगर आप वेन डायग्राम में भी देखेंगे ए और बी को तो इसमें कॉमन हमारे बीच के पार्ट मिल रहे हैं, देखो 8 और 10। सो 8 और 10।
अगर वहाँ से नहीं समझ रहा है तो यहाँ पे हमने ए और बी लिया है, तो यहाँ से आप देख लो कौन सा कॉमन है, 8 और 10। सो हमारा आंसर दोनों जगह से हम रीचेक कर सकते हैं कि आंसर करेक्ट है या नहीं, तो हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमारा 6th क्या बोला, ए डैश फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ पे ए डैश फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 5 6 ए डैश। मैंने आपको बताया था कि ए, इसको ए डैश भी बोलते हैं और ए कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें किसकी किसकी ज़रूरत है, सबसे पहले तो यूनिवर्सल की। सो यूनिवर्सल ले लिया, एंड देन किसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए का। सो हम ए के पास जाएंगे, मत मीन्स यू और ए के पास जाएंगे। तो जो हमारे कॉमन एलिमेंट्स मिलते हैं उसको आप मार्क कर लो, 2 4 6 8 and 10। 2 4 6 8 10 ये हमारे क्या हो गए, कॉमन एलिमेंट मिले। तो हम ए कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होते हैं। तो आप यू में चेक करो कौन कौन से जो है कॉमन नहीं है एलिमेंट, क्या क्या है, 1 3 5। मैं आपको बता देती हूँ, 1 3 5 6 तो कॉमन है, 7 9 11 12। ओके, 5 तक हो गया, देन 7 9 11 and 12। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने आया। वैसे ही अब हमें नेक्स्ट क्या बोला गया है, यहाँ पे यही पार्ट हो गया, 6 हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। अब बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यू के पास जाएंगे और बी के पास जाएंगे, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम यू और बी के पास जाएंगे। ठीक है, अब यू और बी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, 1 3 5 7 8 and 10। सो जो कॉमन नहीं होता है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया हमारा, 2 4 6 9 11 and 12। ओके, यहाँ तक समझ में आया कैसे निकालना है, एकदम इजीली जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे तो अच्छे से सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट तक हो गया। अभी हमें क्या बोला है, ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आपने यहाँ पे ध्यान देना, ए यूनियन बी निकाला हुआ है, तो ए यूनियन बी और किसके पास जाएंगे, यू के पास, क्योंकि हमारा कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल से ही निकलता है, तो हमेशा यू का हेल्प हमें लगेगा ही। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या है, ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अभी देखो, ए यूनियन बी और यू में क्या क्या कॉमन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 10। इतने एलिमेंट्स जो है कॉमन आ गए इसके अंदर। तो कौन कौन से एलिमेंट छूट गए हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है, 9 11 and 12। ठीक है, समझ में आया। अब सेम वैसे ही हमें किसका निकालना है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, ए इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट। अभी ए इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा यहाँ पे क्या है, 8 और 10, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम वापस से यू देखेंगे और ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 8 and 10, ये दोनों एलिमेंट क्या हो गए, कॉमन है यहाँ पे। सो बाकी के जितने भी एलिमेंट बचे हैं वो हमारे क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट। 1 2 3 4 5 6 7 तक लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7, 8 और 10 छोड़ करके क्या बचा, 9 11 12। ओके, सो ये पार्ट समझ में आया पूरा। ये जो है
ये जो मैंने प्रीवियस वीडियो में जो जो भी बताया है ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर हुई है, और ये एग्ज़ाम में 4 या 5 मार्क्स के लिए आता ही आता है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। और जो भी नहीं आएगा उसको आप मेरा वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, या फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, मैं फिर से बताऊँगी इसमें क्या करना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।